के खिलाफ किसानों का जारी है धरना प्रदर्शन। किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ किसानों का जारी है धरना प्रदर्शन। किसानों ने कृषि कानून रद्द करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार को धरना जारी रखने का अल्टीमेटम दिया। कांग्रेस में दिखी अंदरूनी दरार। सुखजिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना। कहा, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेसी नहीं, वो माइग्रेट नेता हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,21,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 848 नए केस सामने आए। अब तक कोरोना से 3500 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। हिमाचल में भी बढ़ रहे कोरोना के मामले। संक्रमितों की संख्या 16,700 के पार। 24 घंटे में 213 नए मामले सामने आए। 13,500 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। केरल की बेटी देविका ने गाया हिमाचली गीत। सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया वीडियो। देविका ने गाया चंबा कितनी दूर गीत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। चलिए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पुलिस का घर से 65 साल के सतीश कुमार की लाश मिली है। गांधी पंचायत चौक पर एक घर में लाश मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस को घर से 65 साल के सतीश कुमार की लाश मिली है। पुलिस ने बताया कि सतीश कुमार पिछले 3 दिनों से लापता था। उसके परिवार वालों ने उसे खोज कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि लाश के शरीर पर तेजधार हथियार से हमले के निशान भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जाँच शुरू की जाएगी। वहीं जैतो के शहर भक्त बाईका नजदीक के गांव हमीरगढ़ में एक व्यक्ति ने पहले अपने 3 मासूम बच्चों को फांसी से लटकाया और बाद में खुद आत्महत्या कर ली। घटना का पता चलते ही इलाके में शोक की लहर छा गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि जो मृतक है उसने पहले अपने बच्चों को फांसी पर लटकाया और फिर आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं गांव के सरपंच गुरमेर सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी करीब 1.5-2 महीने पहले गुजर गई थी, जिसके बाद से वो मानसिक तौर से परेशान चल रहा था। गरीबी से भी परेशान था ये इंसान। और सुसाइड नोट में मृतक ने वारदात को खुद को और किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और जाँच शुरू कर दी है।
नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब में नशा लाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन पंजाब पुलिस भी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, तस्करों से मंसूब पर कामयाब होने नहीं दे रही है। जिला फाजिलका के थाना खुई सरोवर पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राजस्थान से लाए जा रहे 1 क्विंटल चुरापोस्त की खेप और 65,000 नशीली गोलियां बरामद की है। पुलिस ने ट्रक चालक और उसके साथी को काबू करके अदालत में पेश किया और जांच शुरू कर दी। एक क्विंटल जड़ा पोस्त है पोपी हस्क है 100 kg ये रिकवर किया गया जी। घोड़ा ट्राला तो बिचों रिकवर किया गया, ये राजस्थान तो लिया के जिमें पहला 6 क्विंटल तो 65,000 गोलियां से उन्होंने वागू ये भी पंजाब ची सप्लाई होना सी। ये हाल फिलहाल पड़ताल चल रहे कर रहे हैं, जड़ा ये लिया गया राजस्थान तो ही है, तो बिच कोई कैमिकल पाउडर लोडड है वो जड़ा फिट किया होया इनू लैके खडूर साहब जाना सी। ये बारे जी अजे पड़ताल कर रहे हैं असी, ये हुण इहदी पूरी तह तक जाया जाएगा। पिछों जो इन्ना नशे की खेप आ रही है इस संबंधी पूरी डूंघाई नाल मुकदमे तफतीश करके जिहड़े जिथों तैयार हो रहे जिथों आ रहा उत्थे तक पहुँचा जाएगा। जिहड़े मेन इहदे जिहड़े सेल्समैन हैगे आ जिहड़े साडे पंजाब च नशा पहुँचा रहे आ नशा भेज रहे आ उहनां तक जरूर पहुँचा जाएगा। मोगा में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गैंगस्टर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस का आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस, 14 ट्रामाडोल गोलियां भी बरामद की है। पुलिस ने जिले से 6 गैंगस्टर को पकड़ा है, एक आरोपी की तलाश भी जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर सभी आरोपियों का पर्दाफाश हो पाया है और आगे की जाँच जारी है। धुरी में स्थित HDFC बैंक की ब्रांच में अचानक आग लग गई। बैंक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। वहीं बैंक में मौजूद आग बुझाने के यंत्रों से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस हादसे में किसी के नुकसान नहीं हुआ है। वहीं इस आग लगने का कारण बैंक के गैस लीक होने से शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। तरन तारण के नजदीकी गांव कोट धर्मचंद के पास ऑटो रिक्शा और कंबाइन का दर्दनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में रिक्शा में सवार 8 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक अपना बटाले तो टेंपू आ रहा है 6-7 सवारियों के हैं, तो कोट धर्म के लागे सड़क के उत्ते कंबाइन खड़ोती है, हाँ जी टेढ़ी के रुकते खड़ोती है, वह नगा लगा तो सैड बजी आ, तो जो टेंपू पलट गया तो 5-6 सवारियां जख्मी हो गई जिन्होंने हस्पताल पहुँचाया गया जी, तो ड्राइवर मौके पर लिया के हवाला बंद कर दिया गया। की कार्रवाई की जा रही है? उन्होंने कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीश चलन दी परचा दर्ज करेंगे जी। गलती कंबाइन की टेंपू की? हाँ जी गलती कंबाइन की, उन्हें ना कंबाइन वाले ने कटर पाया हुआ है, अं आडो लगे कटर अपना सैड खाने, उन्हें साढ़े आलू कट मारी तो उन्हें रोक आ नहीं, तो भाई साढ़े आडो थले आ गए वाले कटर के, बच्चे थले आ गए बेचारे। छः जने गए तिना चौं सट्टा लगे, सट्ट मेरे भी लगी है, मेरे पता नहीं थोड़ी लगी, दर्द लिखी बखी च बहुत दर्द होनी पाई मेरे भी, पर भैया मेरे नाल बच्चे आ गए, मैं इन्हों का करके आया जी, मैनू नहीं मैनू अपनी नहीं पाई, मैंने अभी 6 जने गए जी। टेंपू जी भुंडी जी आने पहलों ना राह दिता सी, भाई फिर हूँ कट मारता, वह अड़गी अड़गी है जी, वह अड़गी तो उन्हें फिर देते टीआ जी तो अं थले आ गए। कितने जने? 6 जने। श्री मुख्तसर साहिब से 2 बड़ी घटनाओं को बदमाशों ने अंजाम दिया है। इन दोनों घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई नहीं करने का मामला सामने आया है, जिसमें पहली घटना में कार सवारों ने कोटकपुरा रोड मॉडल टाउन क्षेत्र में एक नाबालिग को अगवा करने की कोशिश की
और मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग बच्चे को बचाव कर लिया। इतने में कार सवार लोग वहां से भाग गए, जिसकी मौके पर खड़े कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है, मगर इस मामले में पुलिस ने के पास कोई जानकारी मौजूद नहीं है, जिसके चलते पुलिस ने एक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी घटना में थाना सिटी श्री मुख्तसर साहिब के आधिकारिक क्षेत्र में देर रात 10 बजे नारंग कॉलोनी के पास एक सर्विस स्टेशन चलाने वाले जसपाल सिंह सोनू नाम के युवक पर मोटरसाइकिल सवार लोगों ने तेज धार हथियार से हमला किया। घायल युवक जसपाल सिंह सोनू के सर पर 3 दर्जन से अधिक टांके लगाकर एक निजी डॉक्टर ने उसकी हालत को कुछ हद तक संभाला है। घायल व्यक्ति के पुलिस का बयान देने में सक्षम न होने के चलते पुलिस ने कार्रवाई अटकी हुई है। इसके बाद से पता लगाया जा सकता है कि पुलिस किस तरह से इन घटनाओं को नजरअंदाज करती हुई दिखाई दे रही है। कुल्लू के सचानी गांव के सीमावर्ती जंगल में आग के तांडव ने महिला सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आग की चपेट में 42 वर्षीय महिला आई और इसी गांव का 65 वर्षीय बुजुर्ग आया है। गांव में एक साथ 2 मौत होने से मातम का माहौल है। उधर बुंदर पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। ऊना जिला के इसपुर गांव की सहकारी सभा में हुए करोड़ों रुपए के गोलमाल मामले में विजिलेंस ऊना ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं सभा के सचिव श्याम कुमार को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस ऊना और SIU शिमला की संयुक्त टीम ने इसपुर में 3 स्थानों पर दबिश दी थी, जिसमें सहकारी सभा के आरोपी सचिव के घर और उसके फार्म हाउस सहित एक अन्य ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। देर रात तक चली कार्रवाई के बाद सभा के सचिव को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद विजिलेंस के SP सागर चंद शर्मा की अगुवाई में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस सहकारी सभा में हुए गोलमाल का मामला उस वक्त सामने आया जब सहकारी सभा में अपनी पूंजी जमा करवाने वाले जमाकर्ताओं ने अपनी राशि वापस मांगी तो उन्हें सभा की तरफ से कर्ज दिए जाने की बात कहकर टाल दिया जाता है। नालागढ़ के गांव सोड़ी राजपुताना में राजस्व विभाग के अधिकारियों की तरफ से सरकारी जमीन में अवैध कब्जे छुड़वाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने CM हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव के ही एक शख्स ने कई बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जांच के लिए मामला उप तहसील में पहुंचा, जहां पर नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने मौके पर जाकर पहले पूरी जमीन पर डिमार्केटिंग करवाई और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया। अधिकारियों ने कहा कि उनके साथ भी बदसलूकी की गई है और कहा कि आरोपी व्यक्ति को हिदायत देकर कहा गया है कि अगर उसने फिर से इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। के कर्नल नाजायज की इजेक्टमेंट के लिए मौका पर कानून सही दिखवाई से मौके पर है। मौका पर कब्जा नाजायज की इजेक्टमेंट वारंट ऑफ इजेक्टमेंट का निष्पादन नियमानुसार किया गया। मौका पर गंडूराम ने हमारे साथ बदतमीजी की। ऊना में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपियों के पास से 256 ग्राम चरस और 164 ग्राम अफीम बरामद किया है। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी रिश्ते में बाप बेटे हैं। दरअसल वीरवार सुबह ऊना पुलिस ने अजनौली में नाकेबंदी की हुई थी। इस दौरान एक कार के रुकने का इशारा किया गया और पुलिस को देख कर सवार दोनों लोग घबरा गए, जिसके बाद से पुलिस ने कार की तलाशी शुरू की और पुलिस ने कार में से चरस और अफीम बरामद की, जिसकी वजन करने पर चरस की मात्रा 256 ग्राम और अफीम की मात्रा 164 ग्राम निकली है। पूछताछ करने पर पता चला है कि दोनों पिता और बेटा है, जिनकी पहचान मंडी जिला के किशन और संजय के रूप में हुई है। ASP ऊना विनोद कुमार दीवान ने बताया कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस ने दोनों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये खेप आखिर कहां से आई है और कहां पर सप्लाई की जा रही थी।
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में सड़क हादसे थमने का सिलसिला नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला नेशनल हाईवे 105 बद्दी नालागढ़ का है, जहां पर बुड बैरियर के पास एक ट्रक और स्कूटी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी पर सवार महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं कुल्लू के पतलीकुहल सड़क मार्ग में रायसन में एक चलती हुई मोटरसाइकिल में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक जलने से बच गए। जानकारी के मुताबिक कुणाल और रोहित निवासी भुंतर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भुंतर से मनाली की ओर जा रहे थे। अचानक रायसेन के नजदीक चलती हुई मोटरसाइकिल पर आग लग गई। आग लगते ही दोनों युवक मोटरसाइकिल से उतर गए और स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने जो है आग को कब्जे में कर लिया और इस दुर्घटना से 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 15,000 रुपए की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। चलिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप पंजाब और हिमाचल की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और सुरक्षित रहिए।